पिताजी के देहांत पे आप लोगों ने एक आरोप लगाया है, उसमें न्यायिक समिति गठित हुई है, क्या कहेंगे? नहीं आरोप मैंने नहीं, आरोप तो खुद पिताजी ने ही लगा दिया था। 19 तारीख को उन्हें जहर दिया गया, 21 तारीख को उन्होंने मैंने न्यायपालिका में कह दिया। हम तो उनके बाद कहना हमने शुरू किया। कोई व्यक्ति जो फिट हो बिल्कुल सेहत से, वो अचानक से खाना खाने के बाद बीमार हो गए और उनको महसूस हो गया, उन्होंने लिखित में दिया माननीय न्यायालय में, और वही हुआ कि 26 तारीख को तबीयत इतनी बिगड़ गई आउट ऑफ कंट्रोल कि मूर्छित अवस्था में जब वो बेहोश होकर गिर गए तो उनको ले जाके मेडिकल कॉलेज बांदा में एडमिट किया और डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर पाकर ICU में एडमिट कर लिया। कभी आप में से किसी ने नहीं सुना होगा कि एक व्यक्ति अगर ठीक भी हो जाता है, ICU से स्वस्थ भी हो जाता है, तो भी 12 घंटा 24 घंटा 48 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 4 बजे भोर में 26 तारीख को ICU में और 5 बजे शाम में बांदा की तन्हाई बैरिक में, जेल में। कहीं सोचा है किसी ने ऐसा हो सकता है? कुछ नहीं। तो इसलिए इल्ज़ाम तो जो हमने लगाए हैं वो तह बतह अब खुलते जा रहे हैं, तह बतह वो साबित होता जा रहा है। और एक दिन उन्होंने किसी तरह गुजारा है, 28 को मेरी उनसे वार्ता हुई, लगभग 4 बजे उनकी इंतकाल होने से 3 घंटा पहले या 2 घंटा पहले। आपका फोन जो एक वो सब वायरल है, सब जान रहा, देख ही रहे हैं सब लोग। और उसके बाद उनको बेहोश होकर गिर गए वो और हार्ट फेल हो गया उनका, ये इन लोगों का कहना है। इसके पीछे एक गहरी साजिश है, हमने साफ कहा है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये संयोजित हत्या। अब्बास अंसारी से मिलने गए थे आप? जी मिलने गए, कैसी रही? हमारे बड़े भाई हैं, विधायक हैं, जेल में बंद हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, DM को नहीं आने दिया गया, स्टेट चाहता ला सकता था नहीं। इत्तफाक था कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बंद थी, वरना निश्चित रूप से वो यहाँ होते उस दिन, कि मुझे यकीन है अपनी न्यायपालिकाओं पर। लेकिन चलिए नहीं आ पाए, अब आगे के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत से हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत साबिर हैं, बहुत सब्र कर रहे हैं। कहेंगे क्या यार, पुत्र के लिए पिता सब कुछ होता है भैया, आप खुद सोचो, आप भी किसी के पुत्र हो गए। अब हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, मैं आपसे तो कतई नहीं बताऊँगा, बस इतना कह रहा हूँ कि बहुत मजबूत हैं, बहुत ठीक हैं और रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ के तिलावत करके बख्श रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। एक पुत्र अपने पिता के लिए कुछ कर नहीं सकता है और हम दोनों भाई उनकी सेवा नहीं कर पाए, जीवन भर भी सेवा करते तो भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। और अब तो हमारे पास बस यही मौका है कि जो रास्ता वो गरीब मजलूम बेसहारा यतीमों को कुचले लोगों को सताए जाने के लिए वो जो लड़ाई लड़ते थे, उनका आंसू पोंछते थे, उनकी मदद करते थे, अब वो रास्ता हमें हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम उसी तरह गरीबों को लामबंद करके, एकजुट करके उनकी मदद करेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे, यही आशा और यही उम्मीद हमारे सीनों में है। उमर एक सवाल छोटा सा है कि तमाम लोग आ रहे हैं, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए लोग जी मुख्तार अंसारी का दर्शन कर रहे। चलिए सच तो बताया आपने कम से कम जी। कतर, दुबई, मॉरिशियस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, इतनी जगहों से तो लोग कॉल कर रहे हैं और कई जगह दुबई से तो कतर से तो लोग आ गए, आके मिट्टी दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। और वो तो एक अलग बात है, जो गरीब जनता है पूरे 7-8 जनपदों में बहुत ज़्यादा दुखी है। बहुत लोग 3-3 दिन 4-4 दिन तक तो खाना नहीं बना, लोग दही खा के रहे हैं और हर वर्ग में ये हाल है, हर वर्ग में। और उस दिन का जो जनाजा था वो सही कहा विधायक जी ने अभी कि उस जनाजे ने उस मीडिया के जो प्रोपोगेंडा था माफिया और गुंडा कहने का, उसका भी जनाजा उसी दिन निकाल दिया। मेरे पिता, कोई कुछ कहा करे, जबान है उसमें हड्डी तो होती नहीं, कोई कुछ कहा करे, मेरे पिता रहनुमा थे गरीबों मजलूमों बेसहाराओं के लिए, वो कभी ढाल बनकर खड़े रहे तो कभी तलवार बनकर लड़े। उमर एक सवाल पब्लिक के बीच में है, जनता भी जानना चाहती है कि मुख्तार अंसारी के आप दो पुत्र थे और उनकी जो पत्नी है आपकी माता जी, उन्होंने शायद दर्शन नहीं किया, सही उनके बात। लिए क्या कर रहे हैं वो, क्या हाजिर होंगे? मेरी वकील से बात हुई थी, हाई कोर्ट इलाहाबाद के गोपाल चतुर्वेदी जी, वो मेरी वालदा के, मेरी माता जी के वकील हैं। उन्होंने बताया कि हम जुडिशियल रेमेडी लिए हुए हैं, उम्मीद है कि जल्द इंसाफ मिले, उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए, उम्मीद रखी। तमाम लोग दर्शन कर रहे हैं, आप भी चाहेंगे कि माँ जो है वो
अब जख्मों को मत खुरे दिए, मैंने बहुत साहस, बहुत हिम्मत, बहुत धाड़स बना रखा है। मैं 25 साल का ही हूँ अभी। मेरा भाई नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता चले गए हैं, लेकिन आप माननीय लोग जो पिताजी के साथ रहे हैं विधानसभा में, MLC लोग, विधायक लोग, तमाम नेता लोग फ़ोन करके, बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है, हिम्मत दी है, साहस दिया है, और सबने कहा है कि बेटा तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे पिता की हत्या हुई है और हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। कानूनी रूप से हम अपनी लड़ाई को जारी रखें। उमर भाई, आखिरी सवाल, 40वां से पहले क्या लगता है कि अब्बास भाई भी आप? भैया उम्मीद तो किया जा सकता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उमर, एक खबर आ रही है कि बांदा जेल में लोग दुखी हैं या जिस भी वजह से टमाटर और नमक खा रहे हैं, कुछ ऐसी सूचना आ रही है? एक सूचना आपको नहीं होगी, मैं दे दूं, जिस दिन उनको पंजाब से ले आया गया था बांदा की जेल, उससे पहले वो बांदा रह चुके थे, फिर पंजाब चले गए थे। पंजाब से जब वापस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी मेडिकल एडिक्वेट फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाए, और जब बांदा की जेल लाया गया था तो बांदा की क्यारी में, जेल की क्यारियों में कोई फूल नहीं बचा था। ये बात किसी को पता नहीं, मैं आज खोल रहा हूँ इस राज को, कोई फूल नहीं बचा था। वहाँ के कैदियों ने जब वो अंदर घुसे हैं जेल के, तो सारे बंदियों ने, उस वक्त जेल खुला हुआ था, सुबह के 6 बजे उनको जब दाखिल किया गया, जेल खुल चुका था, तब तक जेलर के कमरे में बैठा हुए थे, सारे कैदियों ने फूल सारे तोड़ के क्यारियों से, और उनको फूलों की वर्षा उनके ऊपर की थी। गरीब, मजलूम, बेसहारा, कहीं भी, किसी जनपद, किसी जगह, मेरे यहाँ लोग केरला से भी अभी आए हैं, महाराष्ट्र से और राजस्थान से मोटरसाइकिल से लोग आए हैं, झारखंड से मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि लोग दुख में होंगे, और कुछ भी गम में, इमोशन में आदमी कर सकता है, मुमकिन है कि ना खाना खा रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को।